हिंदू फैमिली क्या है कौन कौन लोग हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है और अंडर हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू हिंदू फैमिली के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें मस्ट है मुल्ला ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन इंसिस्टर तो जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं उसमें वो सभी पर्सन जो आपस में ब्लड रिलेटिव हैं और डायरेक्ट लाइट ऑफ डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंडेंट हो है आपस में उनके बीच में फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर उनका जो एंसेस्टर है जो भी उनके वंशज हैं वो कॉमन होने चाहिए एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमेरिड डॉटर सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में यहाँ पर कौन कौन इंक्लूडेड हो गए मेल मेंबर ऑल पर्सन लीनली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंड जो भी मेल मेंबर लीनली ब्लड रिलेटिव हैं रिलेटेड बाय ब्लड है वो एंड uh, इंक्लू उनकी वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर जो है, वो सभी जॉइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं ए डॉटर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ हर फैमिली फादर्स फैमिली ऑन मैरिज एंड बिकम्स ए मेबर ऑफ हर हजबेंड्स फैमिली जो डॉटर होती है जैसे ही उसकी शादी होती है वो उसका जो भी मेंबरशिप होता है अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली वो सीज हो जाता है और वो अब अपने हस्बैंड की फैमिली का मेंबरशिप अडॉप्ट uh, करती है जॉइंट हिंदू फैम ज्वाइंट एंड अनडिवाइडेड फैमिली इज़ द नॉर्मल कंडीशन ऑफ हिंदू सोसाइटी हिंदू सोसाइटी को को सामान्यतः जॉइंट और अनडिवाइडेड फैमिली ही माना जाता है उनका जनरल कंडीशन ही ये होता है कि हिंदू सोसाइटी में जो फैमिलीज होती है वो ज्वाइंट एंड अनडिवाइडेड होती है मनुस्मृति रिकमेंडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ द फादर मनुस्मृति ने रिकमेंड किया है कि जैसे ही फादर की डेथ होती है यहाँ पर जो भी एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर होता है वो करता मतलब हेड ऑफ द फैमिली की तौर पे काम करता है जैसे ही फादर की डेथ होती है द एल्डेस्ट अमॉन्ग दंस शुड टेक ओवर द एंटायर पेट्रीमोनी जैसे ही फादर की डेथ होती है तो जो भी उनके सन्स में एल्डेस्ट वन है वो टेक ओवर कर देते हैं पूरी जॉइंट फैमिली को चलाने के लिए और जो भी उनके यंगर ब्रदर्स हैं वो उनके अंडर कंट्रोल में काम करते हैं रहते हैं और सेम वो अपने फादर को जैसी रिस्पेक्ट देते थे सेम वो अपने एल्डर ब्रदर को बिकॉज अब फादर नहीं है तो उनकी जगह पे एल्डर ब्रदर है वो एज एन करता ज्वाइंट हिंदू फैमिली के uh, का मैनेजमेंट करते हैं सो so, उनको भी सेम रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए है द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव अंडर वन रूफ हुईट फूड कुकड इट वन हर्थ हु होल्ड प्रोपर्टी इन कॉमन एंड हु पार्टिसिपेट इन कॉमन वर्शिप एंड आर रूच अदर एस पर्टिकुलर टाइम ऑफ किल्ड्रन अकॉर्डिंग टू कार्वे उन्होंने बोला कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक छत के नीचे एक चूल्हा का यूज करते हैं और वो आपस में एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं एक साथ पूजा करते हैं एंड जिनके बीच में आपसी आत्मीयता का संबंध इस्था, स्थापित होता है तो उनको वो, वो बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली उनके अकॉर्डिंग जॉइंट फैमिली के अंडर आती है इस इन ए फैमिली नॉट ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ब्रदर्स एंड स्टर ब्रदर लिव ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी बट इट मी समाइम्स इंक्लूड असेंडेंट्स एंड कोलेट्रल्स टू अप टू मेनी जनरेशन अकॉर्डिंग टू जॉली उनके हिसाब से जॉइंट फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन और उनके ब्रदर्स ब्र, और इस्टर ब्रदर ही नहीं आते हैं जो कि कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म बताया कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है बहुत ही एक्सटेंडेड एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें असेंडेंट और कोलेट्रल्स भी इंक्लूडेड होते हैं जिनकी कि जनरेशन का लिमिट नहीं है तो यहाँ पर क्या है असेंडेंट का मतलब होता है कि होम ओनली रिलेटेड इन द असेंडिंग लाइन मतलब जैसे कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रेंस डिसेंडेंट में क्या होता है कि हम नीचे के क्रम में पढ़ते हैं चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन असेंडेंट मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तो वो होते हैं असेंडेंट और कोलेट्रल्स क्या होता है कोलेट्रल्स वो हो होता है कि जो ब्लड रिलेटिव्स होता है जो रिलेशनशिप होता है वो ब्लड रिलेटेड होता है बट वो एंसेस्टर्स नहीं होते हैं लाइक कजन्स सिबलिंग्स अंकल्स जो होता है वो जो रिलेशनशिप होता है ब्लड रिलेटेड होता है बट वो आपके कोलेट्रल मतलब एनसिस्टर नहीं होते हैं सो so, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ब्रदर ब्रदर ही कॉमन शेयर जो करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं वो बस जॉइ जोई, जॉइंट हिंदू फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते इसके अलावा जो असेंडेंट और कॉलिटरल्स भी हैं जो कि एक प्रॉपर्टी शेयर करते हैं कॉमन प्लेस में रहते हैं उनको भी जॉइंट हिंदू फैमिली कहा जा सकता है नेक्स्ट है द जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ नोन एनसेस्टर एंड अडोप्टिड सन्स एंड रिलेटिव रिलेटेड टू दीज सन्स थ्रू मैरिज हिंदू जॉइंट फैमिली जो है एक ग्रुप होता है मतलब ग्रुप से कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसमें नोन एंसेटर्स एंड अडोप्ट मतलब जितने भी वंसज uh, हैं दो जो जितने भी लाइन में लोग अलाइव हैं वो अडॉप्टेड सन को भी जॉइंट हिंदू फैमिली में इन्होंने एक्सेप्टेंस uh, दिया है एंड जितने भी रिलेटेड थ्रू द मैरिज उस फैमिली से कनेक्टेड होते हैं मतलब जो भी मेल मेंबर है उनसे जिनकी भी शादी होती है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी मैने नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम जो जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन जब लोग इस्टैब्लिश होने लगे थे एक जगह सेटल होने लगे थे आफ्टर इन्वेंशन ऑफ खेती वेती के खेती के बाद से जब लोग एक जगह पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट किए थे जो अपने घर एक जगह बनाने लगे थे और व्यापार भी बढ़ने लगा था लोग एक दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे थे तो उस समय जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि मेल मेंबर्स जो है वो बाहर व्यापार करने जाते थे तो लोगों की नेसेसिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी तो वहाँ पर लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते थे जो भी ब्लड रिलेटिव्स है या जो भी आपस में कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं वो सब साथ में रहने लगे तो वहाँ से जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट हुआ फिर धीरे धीरे इसको रिलीजन के तौर पे भी देखा जाने लगा अदर पार्ट ऑफ वर्ड्स में ये तरीके से डिसपेयर्ड हो गया बट इंडिया में स्टिल इट कंटिन्यू जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है इंडिया में अभी भी कंटिन्यू है नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या क्या कॉम्पोजिशन कैसे कैसे कंपोजिशन होता है जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए क्या क्या अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बिना ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन नहीं हो सकता सो फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज द सपिंडशिप सॉरी विदाउट विच नो ज्वाइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्टेंस मतलब जितने भी मेम्बर्स हैं वहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली में उसमें आपस में उनका सपिनशिप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए सपिनशिप का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द कॉमन एन्सेस्टर उनके बीच में वो कॉमन एन्सेस्टर्स को शेयर करना मस्ट है अगर आ, उनमें कॉमन एन्सेस्टर्स नहीं है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली में के पार्ट नहीं कहलाएंगे Therefore, joint Hindu family status is ordinarily the result of blood relation by birth. सामान्यतः यह माना जाता है कि joint Hindu family में जो भी by birth blood related है वो सभी member include होंगे But affiliation by uh, adoption और marriage को भी से भी इसमें membership include की जाती है जैसे किसी भी व्यक्ति को adopt करके उस family में लाते हैं तो भी उसको मेम्बरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली का माना जाएगा एंड मैरिज मतलब जो भी उस फैमिली के मेल डिसेंडेंट हैं उनसे जो भी शादी करेंगे वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के पार्ट या मेम्बर कहलाएंगे इन केस ऑफ रुक्मिनी बाई राठौर वर्सेज सी डब्ल्यू टी नाइनटीन नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली कैनॉट बी फॉर्म्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डो नॉट कॉन्स्टिट्यूट एड फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है का फॉर्मेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं हो सकता जो कि फॉमिल फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं लाइक like, अगर लीनियन डिसेंडेंट विद कॉमन एनसिस्टर इज मस्ट अगर चार व्यक्ति या पाँच व्यक्ति इकट्ठे रह रहे हैं एक साथ रह रहे हैं लेकिन वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंडर नहीं कहलाएंगे बिकॉज वो ब्लड रिलेटेड नहीं है और वो कॉमन एनसिस्टर उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कॉमन एंसिस्टर शेयर नहीं करते हैं तो वहां पर कॉमन एंसिस्टर होना मस्ट है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एक्ट ऑफ पार्टी एक्सेप्ट द एफिलिएशन ऑफ एडोपन एंड मैरिज जो जॉइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन हो, होगा वो बाई एक्ट ऑफ पार्टी से नहीं फॉर्मेशन होगा बस एडोपन और मैरिज से ही इसके एक्सेप्शन हैं कि एडोप्शन मतलब एक्ट ऑफ पार्टीज थ्रू द एग्रीमेंट या जो भी फॉर्मल एग्रीमेंट है उसके थ्रू उसको पार्ट ऑफ या मेंबरशिप ऑफ हिंदू फैमिली में इंक्लूड किया जा सकता है और मैरिज के थ्रू किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जॉइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं ये एक्ट ऑफ पार्टीज से क्रिएट नहीं की जा सकती है जॉइंट हिंदू फैमिली

He is always in practice. मतलब अगर joint Hindu family है तो उसका existence मतलब head of the family का existence होना practice में होना is a must. बिना कर्ता के joint Hindu family का management नहीं हो सकता है एंड डेस्पोटिक का मतलब होता है कि वो एक तरीके से मास्टर ऑफ द हाउस होना चाहिए उसके पास एब्सोलूट रूलर होता है इन गवर्नेस फॉर द गवर्नेंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली ज्वाइंट एंड अनडिवाइडेड फैमिली इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड मेम्बर्स आर लिविंग एज ए स्टेट ऑफ यूनियन जो हिंदू सोसाइटी है जैसे मैंने बताया कि ज्वाइंट और अनडिवाइडेड जो है और अगर वो एज एन स्टेट ऑफ यूनियन एक जगह रह रहे हैं तो उसको जॉइंट हिंदू फैमिली कहेंगे हीरा चंद वस्ताराम वर्सेस सी आई टी हिंदू फैमिली के लिए स्टेट uh, होना मतलब प्रॉपर्टी होना मस्ट नहीं है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी से भी उनके बीच में प्रॉपर्टी होना मस्ट नहीं है मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होना मस्ट नहीं है अगर जॉइंट कॉमन प्रॉपर्टी नहीं भी है तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर वो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या जरूरी है कि उन वो अपना फूड और वर्शिप है वो कॉमन होना चाहिए अंडर द मिताक्षरा लॉ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फैमिली द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन मेस एंड कॉमन वर्शिप लीड्स नेसेसरी टू ए प्रिजम्पन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम प्रॉपर्टी वहाँ पर बोला गया है कि जॉइंट uh, प्रॉपर्टी होना मस्ट नहीं है जो uh, uh, joint, uh, जॉइंट हिंदू फैमिली के फॉर्मेशन के लिए अगर वो कॉमन मेस एंड कॉमन वर्शिप करते हैं मतलब कॉमन पूजा करते हैं तो वहाँ से प्रिजम्शन किया जाएगा वो किसी न किसी तरीके से अपने जो भी गुड्स हैं जो भी सामान हैं वो शेयर करते हैं इन एनवी वी नरेंद्र नाथ वर्सेज कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्सेस एआईआर 1970 नेक्स्ट है ओनली फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए जॉइंट हिंदू फैमिली थ्रू एन एग्रीमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ मेल मेंबर जो अगर जो भी करता है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो फैमिली में है सिर्फ फीमेल्स हैं तो जो फीमेल्स हैं वो थ्रू द एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट के बेसिस पे जॉइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार राज्य वर्सेज श्रीमती संध्या रानी ए आई आर नेक्स्ट है डॉटर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ हर फादर्स फैमिली ऑन मैरिज एंड बिकम्स ए मेंबर ऑफ हर हस्बैंड फैमिली जो मैंने बताया कि जो डॉटर होती है, उनका राइट्स जो होता है मेंबरशिप अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली वो सीज हो जाती है और वो अपने हस्बैंड की फैमिली का जो पार्ट बन जाती हैं आफ्टर मैरिज रघुनंदन रघुनंदन वर्सेज ब्रोजो किशोर नाइनटीन जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो एक कॉरपोरेशन नहीं होती है वो नॉट इवन ए लीगल एंटिटी उसकी जो एंटिटी uh, होती है जो uh, वो एंटिटी होती है वो सेपरेट फ्रॉम दैट मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूट इट एंड इट इज नॉट जुरिस्टिक पर्सन आई तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो एक तरीके की यूनिट एक इंस्टीट्यूशन है बट वो एक कॉरपोरेशन नहीं है मतलब जैसे कंपनीज को uh, जितने भी उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो स्यू कर सकते हो तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अगेंस्ट आप स्यू नहीं कर सकते हो इसीलिए इसको बोला गया है कि इट हैज़ नो लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूट इट कंपनीज में क्या होता है कि उस कंपनीज के ना, आ, नाम नाम उस कंपनीज के नाम पे आप केस फाइल कर सकते हो या Uh, उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं बट यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली के अगेंस्ट नहीं होगा और जो भी वो मेंबर हैं जो भी वो अनलॉफुल एक्ट करेंगे उनके अगेंस्ट ही अकाउंटेबिलिटी uh, फिक्स होगी एंड इट इज़ नॉट जोरिस्टिक पर्सन आइदर जोरिस्टिक पर्सन क्या होता है कि जो वो बॉडी जो रिकोगनाइजेशन बाई लॉ होते हैं और उनके लॉ के द्वारा जितने भी एज एन ह्यूमन बींग्स या जो नेचुरल ह्यूमंस होते हैं जितने राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनको मिलते हैं ह्यूमन बींग्स को उतने ही उस बॉडी को मिलते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली एक जूरिस्टिक पर्सन नहीं है इस वजह से उसको जितने भी लीगल राइट्स एज एन ह्यूमन उस यूनिट को एज एन वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं दिए जाते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है कि इनकी लीगल एंटिटी नहीं है और इसके जो मेंबर्स हैं वो पर्सनल लाइबल होंगे जो भी अनलॉफुल या कुछ जो, जो, जो भी गलत काम करेंगे उसके लिए इन केस ऑफ छोटे लाल वर्सेज झंडेलाल ए आई आर इट इज़ ए यूनिट एंड ऑल इट्स अफेयर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इट्स कर्ता और हेड ये एक तरीके का यूनिट है और इसके अफेयर्स हैं जो भी इसके हैं वो कर्ता के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा विद इन इट्स फोल्ड नो आउटसाइडर एक्सेप्ट कैन बी एडमिटेड बाई एग्रीमेंट और अदरवाइज इट कन्फर्स द स्टेटसन बी एक्वाड ओनली बाई बर्थ इन द फैमिली और बाई मैरिज टू द मेल में किसी भी आउटसाइडर को इसमें इंक्लूजन नहीं मिलेगा इसमें एंट्री नहीं कर सकते ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ अडॉप्शन और मैरिज के थ्रू अदरवाइज जो भी उस फैमिली में बर्थ लेता है उसी बस को उसमें पार्ट लेने का आ, राइट है नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कौन कौन मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में सो so, जितने भी मेल मेंबर्स हैं मतलब लीनली डिसेंडेंट्स जितने भी लीनली डिसेंडेंट हैं मतलब ब्लड से रिलेटेड है मतलब कि मेल मेंबर मेन मेल मेंबर्स जैसे कि चिल जो भी पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रेंस हैं वही सब मेल मेम्बर्स जो कि आपस में लीनली डिसेंडेंट हैं पर्सन लीनली कनेक्टेड इन द मेन माइन लाइन कोलेट्रल्स कोलेट्रल्स का मतलब जैसे मैंने बताया कि वो डिसेंडेंट्स या असेंडेंट्स नहीं हैं बट वो ब्लड रिलेटिव्स हैं लाइक कजिन्स नीज नेफ्यूज सिबलिंग्स ये सब आते हैं कोलेट्रल्स रिलेटिव्स क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव होते हैं बट एनस्टर्स नहीं होते हैं थर्ड एनी पर्सन रिलेटेड बाय एडॉप्शन उस फैमिली में एडॉप्शन के थ्रू किसी थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर को अडॉप्ट uh, किया गया है उसको भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट माना जाता है मेम्बरशिप मिलती है फोर्थ है डिपेंडेंस जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स पे डिपेंडेंट है मतलब मेन मेन मेल मेंबर कॉमन इन्सेस्टर जो है उस पे जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उसको भी मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली माना जाएगा नेक्स्ट है सन बॉर्न आउट ऑफ मैरिज बिटवीन ए मेल हिंदू एंड क्रिश्चियन वुमेन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अगर उस फैमिली का मेल मेंबर मतलब जो मेन मेल मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन वुमेन से शादी की है आउट ऑफ दैट वर्ल्ड लॉक जो भी सन बॉर्न होगा उसको भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर माना जाएगा एंड फीमेल्स में किसको किसको माना जाएगा द वाइफ एंड विडो ऑफ द डिजीज मेम्बर्स जो भी वाइफ्स होंगी मेल मेंबर्स की एंड विडो जो भी डिजीज मेंबर है मेल मेंबर है उनकी वाइफ्स को विडोज़ को भी उस फैमिली का पार्ट माना जाएगा मेंबर्स माना जाएगा मिड इन डॉटर मतलब जो भी अनमेरिड डॉटर है उनको भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबरशिप मिलेगा एक स्पेशल फीचर ये है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में इलेजिटमेट चिल्ड्रन को भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट मानते हैं बट उनको

इंक्लूड तो किया जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली में बट जब फैम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर सिर्फ वो अपनी फादर फाद फादर की प्रॉपर्टी से ही इनहेरिट कर सकता है मतलब जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है उसी से उसको इनहेरिटेंस राइट्स मिलेगा जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसको इन्हीिटेंस राइट्स नहीं मिलेगा इलेजिटमेट चाइल्ड को वहाँ पर एंटाइटल्ड uh, होता है कि इन्हारिट कर सके बोथ द पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर दोनों की प्रॉपर्टी से उसको इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं समटाइम्स मैरिड विडो डॉटर आल्सो सेटल इन द जॉइंट फैमिली आर ट्रीटेड एज मेम्बर एंड देयर फोर देयर ऑफ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस कभी कभी क्या होता है कि मैरिड डॉटर डाइवोर्स सॉरी मैरिड विडो डॉटर वो uh, अपने मदर uh, फादर के यहाँ ही सेटल होती है और उसको भी जॉइंट हिंदू फैमिली के एम्बिट में कंसिडर करेंगे वो भी एंटाइटलमेंट होती है मेंटेनेंस और उस घर का मेंबरशिप पाने के लिए प्रिजर्मसन ऑफ जॉइंटनेस सो मैंने बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जनरल कंडीशन है मतलब ये आप प्रिज्यूम किया जाता है कि हिंदू सोसाइटी में फैमिलीज आर जॉइंट और अनडिवाइडेड सो ज्वाइंटनेस ऑफ एवरी हिंदू फैमिली देयर इज अ जनरल प्रजम्पनस हिंदू फैमिली द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ इज दैट इन एबसेंस ऑफ प्रूफ ऑफ डिजन द प्रजम्पन इज दैट एवरी हिंदू फैमिली इज ज्वाइंट इन फूड एंड वॉर्शिप एंड स्टेट अगर ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि इस फैमिली में डिवीजन है हो चुका है या है उस कंडीशन में कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि जो हिंदू फैमिली है वो फूड वर्शिप एंड स्टेट मतलब प्रॉपर्टी तीनों चीज़ों को ये कंबाइनली और जॉइंट है और वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के एम्बिट में उनको कंसीडर करेगी विनोद जेना वर्सेस अब्दुल हामिद ए आई अगर कोई ये प्ली लेता है कि उस फैमिली में पार्टीशन हो गया है तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे चला जाएगा लाइक like एक फैमिली है वहाँ पर एक पर्सन है वो प्ली ले रहा है कि उनका पार्टीशन हो गया है उस फैमिली में पार्टीशन हो गया है तो जो भी पार्टी मतलब जो भी पर्सन ये प्ली लेगा उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा कि आप प्रूफ करिए कि आप फैमिली जॉइंट नहीं है तो उस पे ओनस मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा कि वो उसका आ, सेपरेंस आ, को प्रूफ करें अगर कोई इन केस ऑफ महेंद्र वर्सेस मोहंदी दे या 1985। अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कैपेसिटी कोई मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली का इंडिविजुअल कैपेसिटी से कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है तो दैट प्रॉपर्टी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए जॉइंट प्रॉपर्टी अगर एक एक फैमिली में ए पर्सन है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है तो वो उस ज्वाइंट फैमिली का पार्ट नहीं कहलाएगा वो ज्वाइंट ज्वाइंट प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर uh, कहलाएगा बट अगर पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट है देन वहाँ पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कैसे जॉइंट है और अगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द एड ऑफ जॉइंट फैमिली है अगर वो प्रॉपर्टी uh, जो uh, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के मेम्बर्स के मदद से एक्वायर की गई है तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जॉइंट क्यों नहीं है केस ऑफ लोड टू एस्टेब्लिश द प्रिजम्पन टू द कांट्री विल बी ड्रॉन अगर वो ऐसा प्रूफ नहीं कर पाए तो वहां पर ये माना जाएगा कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है देवराज वर्सेस घनश्याम ए आई आर मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली का मैनेजमेंट कैसे होता है जैसे मैंने बताया जॉइंट फैमिली आर मैनेज बाय द हेड ऑफ द मैनेजर और कर्ता जो जॉइंट फैमिली का मैनेजमेंट है वो कर्ता के द्वारा किया जाएगा जनरली क्या होता है कि फादर जो भी फादर है वो कर्ता के तौर पे जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाता है ये जनरल प्रजम्शन है कि कर्ता वुड बी द एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो भी करता रहेगा वो एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर ऑफ़ द फैमिली होगा राम इकबाल वर्सेस कायरा देवी ए ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी वन नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली क्या क्या राइट्स मिलते हैं एज ए मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली सो द मेंबर ऑफ मिताक्षरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली इंजॉय सर्टेन राइट सच एज राइट टू मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस सभी मेंबर्स को ये राइट right है कि वो आउट ऑफ ज्वाइंट फैमिली फंड से उनका मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण और उनको उस जो कॉमन रेजिडेंस है उस घर ज्वाइंट हिंदू फैमिली का वहाँ पर रिसाइड कर सके वो सभी मेम्बर्स को का राइट right है राइट टू हैव पार्टीशन राइट टू हैव पार्टीशन है सभी मेंबर्स को पार्टीशन के लिए बोलने का अधिकार है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कोपाशनर्स तो अंडर हिंदू लॉ जितने भी कोपाशनर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को पार्टीशन डिमांड करने का राइट right है बट थ्रू द को पार्शनर्स जो अदर मेंबर्स हैं वो भी पार्टीशन का डिमांड कर सकते हैं कोपाशनर्स क्या होता है मैं एक शब्द आप, आपको जनरल बता देती हूँ को पार्शनर्स अंडर हिंदू लॉ जो भी फोर डिग्रीज तक मेल मेंबर्स होते हैं मेल डिसेंडेंट्स होते हैं उनको कोपाशनर के अंडर अंडर हिंदू लॉ रखा गया है जनरली कोपार्शनर्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप इनहेरिटेंस, जो भी इनहेरिटेंस में पार्टनरशिप होती है उसको कोपार्शनर बोला जाता है बट हिंदू लॉ में क्या है कि uh... बिफोर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स जो मिताक्षरा अपना लॉ है मिताक्षरा स्कूल है वहाँ की थिंकिंग है कि जो भी फोर डिग्रीज तक मतलब डिसेंडेंट मेल डिसेंडेंट फोर डिग्रीज तक उनको हम को पार्टनर्स मतलब उनका इनहेरिटेंस सक्सेशन राइट्स होता है जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसको कोपार्शनर कहते हैं तो अंडर हिंदू लॉ सिर्फ को पार्टनर्स को ही पार्टीशन डिमांड करने का राइट है अदर मेंबर उनके थ्रू पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं राइट टू कॉल फॉरेन अकाउंट्स जितने भी मेंबर्स हैं वो अकाउंट्स कॉल कर सकते हैं मतलब फंड्स का बारे में जानकारी ले सकते हैं राइट टू ज्वाइन पोजिशन एंड एन्जॉयमेंट पोजिशन एंड एंजॉयमेंट जितने भी ज्वाइंट पोजिशन से ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पोजिशन है और एन्जॉयमेंट वो जितने भी मेम्बर हैं उनको एज एन राइट्स मिलता है अनमेरिड डॉटर इन द फैमिली ऑल्सो हैव द राइट टू बी मैरिड आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली फंड जो भी अनमैरिड डॉटर उस जॉइंट फैमिली की है उसके पास राइट होता है कि आउट ऑफ जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली फंड से उसकी शादी हो सो so, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली में जितने भी मेल डिसेंडेंट हैं लीनली मेल डिसेंडेंट्स हैं वो उनकी वाइफ्स उनके अनमेरिड डॉटर्स उनकी सन्स सभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट इज सपेंडशिप रिलेशनशिप बिटवीन दैम उनके बीच में कॉमन इंसिस्टर्स का रिलेशनशिप होना मस्ट है वहाँ पर जरूरी नहीं है इनमें ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो कॉमन प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो बट अगर वो कॉमन मैस एंड कॉमन वर्शिप करते हैं तो इससे प्रिजम्पन होता है कि वो एक तरीके से कॉमन गुड्स को इन्जॉयमेंट कॉम कॉमनली एन्जॉयमेंट करते हैं तो ये हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट कुछ राइट्स मिले हैं आगे हम को पार्टनर्स डिस्कस करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अभी और भी है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे